हेलो जी, वेलकम टू व्लॉग्स बाय अनीता जून। आज हम ना अकेले चले हैं दोनों, विदाउट हेल्प ऑफ आवर डॉटर, कि हम कैसे कैसे घूम सकते हैं यहाँ के ट्रांसपोर्ट में। पास तो हमने बनवा लिया था, तो हम थोड़ा सा अपने आप जा कर के देखते हैं। और यहाँ एक जगह है मार्गरेट आइलैंड, वहाँ पर जाएंगे ट्रैम लेकर के, बस लेकर के, क्या क्या अवेलेबल है। चलो दिखाते हैं आपको हम कैसे जा रहे हैं। और ये चल रहे हैं आगे आगे हमारे मिस्टर, हेलो। और पहाड़ी से उतरना आसान है, पहाड़ी पे चढ़ना तो सारे टेस्टिंग हो जाती है। चलो जी, पहुंचते हैं बस स्टैंड पर, छोटी सी अपनी वॉक करके, करीबन 5 मिनट की वॉक है। लाइफ बहुत ही कूल है यहाँ पर, आराम से लोग बैठ के कॉफ़ी ले रहे हैं, बियर ले रहे हैं, और आप है ना उनकी आवाज़ ही सुन सकते हो, इतने आराम आराम से बात कर रहे होते हैं वो आपस में, कि पास से बंदा निकल रहा है ना उसको उसकी आवाज़ नहीं सुनाई देगी। फ्रेंड्स, ये हम ट्रैम के स्टेशन पर आ गए हैं। यहाँ पे स्क्रीन पे सारा इसका जो भी है शेड्यूल आता रहता है कि 2 मिनट में आ रही है, 3 मिनट में आ रही है। ये स्टेशन है, ये मशीन है जिससे हमने टिकट निकाला था। आप मतलब किसी ने भी अगर निकालना है, रिचार्ज करना है, इससे निकालिए। और दूसरा भी, और अब एक हमारी ट्रैम निकल चुकी है, अब हम जाएंगे। 4 नंबर आएगी या 6 नंबर आएगी, ये कौन से नंबर आई है, 70 नंबर, इसमें हमने नहीं जाना। तो फ्रेंड्स, ये 4 नंबर अपने ट्रैम आ गई है, अब इसमें हम चढ़ेंगे। ये टिकट दिखा करके डेट दिखानी होती है मेनली, तो सॉरी मैंने गलत बोला, ट्रैम में तो हम चढ़ गए हैं लेकिन इसमें हमने टिकट नहीं दिखानी थी, आपके पास होनी चाहिए। ये बस में दिखानी होती है, बस के ड्राइवर को, उसको आपने शो करना होता है कि ये हमारे पास आज की टिकट है। कोई कोई पूछ भी लेते हैं, कई बार नहीं भी पूछते, तो बट आपके पास होनी चाहिए, यानी कि घर पर रख दो टिकट लेके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ना सब कुछ बहुत प्लान्ड वे में होता है, सारा टाइम टेबल आपका गूगल पे होता है। कोई भी ट्रेन आपकी 1 मिनट लेट नहीं होती है, सारा उस पर आप मेंशन होता है और आप उसी के अकॉर्डिंग चलते रहते हैं कि 2 मिनट में आएगी। और नेक्स्ट भी जो भी आपने पकड़नी होती है ना, उसका भी साथ के साथ आ जाता है कि आपने जो भी रूट फॉलो किया है कि अब वो वाली जो भी ट्रेन या मेट्रो या बस जो भी है ना, वो इतने मिनट बाद है। मतलब आप उसके उससे कनेक्ट हो जाओ और फिर आप अपना टाइम लेकर के चलते रहो कि भैया ये चीज़ें हमने इतने इतने मिनट पर ऐसे ऐसे वहाँ पहुँचाना है। और उसके लिए ये सारा यहाँ का सिस्टम जो है ना, बिल्कुल नेट से बिल्कुल अटैच है। ट्रैम से उतर गए हैं, अब रोड क्रॉस करनी है, दूसरी तरफ जाना है। चलो जी, और हमारे लिए भी ग्रीन सिग्नल होता है, तभी हम रोड क्रॉस कर सकते हैं। देख लो, सब इंतज़ार कर रहे हैं उस तरफ की, ये नहीं कि वरना आप चांस मार लो जी, कोई बात नहीं, गाड़ी रुकेगी जैसे तैसे इमरजेंसी ब्रेक लगा के। सब इत्मीनान से खड़े रहते हैं और जब ग्रीन लाइट होगी हमारे लिए तभी हम चलेंगे। मैं आपको दिखा दूं ग्रीन लाइट एक बार, ये देखो, ये है ग्रीन लाइट पेडेस्ट्रियन के लिए हो गई है। और देखो स्काई में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, अच्छा लग रहा है बहुत ही। देखो हम जा रहे हैं ना रास्ते में, देखो मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ी सी क्रिएटिविटी कि कोई लेकर बैठे हैं छोटी छोटी चीज़ें ना बना करके, फॉर सेल, हेलीकॉप्टर, मतलब वुड की आइटम्स बहुत अच्छी बनाई है, बल्कि माचिस की तिलियां लगा लगा के आप देखेंगे ना। देखो इसको, देखो बहुत ही बढ़िया भाई ये आइलैंड। ये नदी के साथ साथ चल रहे हैं हम, आप खूबसूरत नज़ारे का आप भी आनंद ले लो, आइलैंड पहुंचने से पहले का है ये सारा। और मैं चलते चलते बना रही हूँ ना, थोड़ा सा मेरा ना कैमरा हिल जाता है, थोड़ा सा बियर कर लेना भाई। तो जी इनका स्टेडियम देख लो आप, ट्रैक भी बना हुआ है दौड़ने के लिए, और वो उसमें ना फुटबॉल टीम अपनी प्रैक्टिस के लिए आई हुई है और अब मैच स्टार्ट करने वाले हैं, वो अपना तैयारी कर रहे हैं। और ये देखिए सारा स्टेडियम पहाड़ियों के बीच में ला रहे हैं ना, अच्छे खासे हमारे बुजुर्ग अंकल जी हैं। देखो फिटनेस का इनको लोगों को बहुत रहता है कि फिट रहते हैं और उसके लिए बहुत मेहनत करते हैं। देखो इस एज में ये साइकिल चला रहे हैं। यहाँ पर भी जी ठेले लगे हुए हैं और नहीं, ये आइलैंड में जाने के लिए खड़ी हैं ये गाड़ियाँ, ई रिक्शा, हमारे ई रिक्शा टाइप जैसे हमारे इंडिया में होती है, हमारी दिल्ली में होती है खूब सारी ई रिक्शा। ये जी एक लेगो गेम होती है बच्चों की, ये छोटे छोटे ना पीसीज होते हैं, उनको जोड़ जोड़ के जो बनाई जाती है, तो ये इन्होंने ना उससे बनाई है, ये स्टोन की नहीं बनी हुई। इसमें करीबन 8.5 लाख पीस जुड़े हुए हैं, 28 दिन में इन्होंने ये पूरी की,
और इनका कह रहे थे मकसद इसी यही है कि इसको लेगो को वो थोड़ा सा वो क्या करें, उसको थोड़ा सा प्रमोशन दें ताकि इस चीज़ में इसके टच में आए लोग। खाली बैठने से अच्छा आप वो चीज़ ले करके उससे कुछ ना कुछ आप अपनी कोई भी स्कल्पचर बनाओ या कोई भी आप मतलब कोई भी आप डिज़ाइन बनाओ जो आपके दिमाग में है या इमेजिनेशंस में है तो वो आप बनाओ। तो इसलिए ये इन्होंने यहाँ पे बनाया ताकि आप इस चीज़ से इंस्पायर हो जाओ कि भैया आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो ये लेगो कंपनी ने बनवाया और बहुत ही अच्छा लग रहा है। मार्गरेट आइलैंड बहुत बड़ा है भाई, आधा से ज़्यादा घूम चुके हैं। और ये देखो, और पीछे भी ना बड़े अच्छे अच्छे फूल थे, रह गए मेरे कवर करने, अभी वापसी में जाते वक्त कवर करूँगी। बहुत सुंदर सुंदर खिले हुए हैं वहाँ, तो बहुत ही खूबसूरती थी। ये देखो इन्होंने कितनी अच्छी अच्छी शेप्स दी हुई है प्लांट्स की, इसकी मोरपंखी टाइप पौधा है ये तो। और ये ग्रास सी जो उगी हुई है ना इस तरह की, ये वाली, ये भी खूबसूरती में ना इनकी अच्छी लग रही है, मतलब कहते हैं ना चार चांद लगा रखी है। वैसे तो कुछ नहीं है, एक ग्रास ही है और उस पर ये इसकी फ्लावरिंग है, बट इससे भी ना काफ़ी सुंदर लग रहा है। ये देखिए दूर दूर तक ये आपको ना इससे वाइट नज़र आएंगे ना ये बूटे से, वो इसी के ही हैं, इसी ग्रास के हैं। तो वो देखो छोटी सी गाड़ी आ रही है एक सामने से, वो लेकर के आप अपना टूर भी कर सकते हो अगर आपसे पैदल नहीं चला जा रहा है तो। देखो ये, देखो ये ना सीड्स हैं, इसके सीड्स ले जाके उगाऊंगी मैं। अपना काम कहीं भी नहीं छोड़ना चाहिए। बस। और ये पार्क में घूमते घूमते मेरी एक नज़र पड़ी कि मैंने कहा मैं आपको भी दिखाऊं। ये देखो ये पेड़ है ना, ये इन्होंने काटा हुआ है ज़रूर। देखो इसके बीच में जो होल है ना उससे आपको पता लग जाएगा कि इसको बीच में कोई बीमारी हो गई होगी या तो इसको दीमक लग गई होगी। तो ये इन्होंने, और आसपास से देखो कितना बड़ा है, मतलब तना इसका कितना मोटा है, और इन्होंने इसको ना कट कर दिया और ताज़ा ही कट किया हुआ है जिस तरह से बुरादा वगैरह पड़ा है। और इधर की सरफेस उबड़ खाबड़ हो रही है, जैसे घसीट के लेके गए होंगे, उठा के लेके गए होंगे या गिरा होगा पेड़। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर ये पेड़ बीमार है या इसमें दीमक लग गई है तो इन्होंने इसको काट दिया है इससे पहले कि ये गिरे और या फिर कुछ और डैमेज होए, तो इन्होंने इसको काट दिया। भैया देखो मार्गरेट आइलैंड पे ये कुछ इनके पुराने किसी के महल के अवशेष होंगे, तो इन्होंने एज इट इज छोड़े हुए हैं। दो तीन कमरों का है ये सेटअप, देखो आगे भी हैं, जगह जगह हैं, और ये देखो इस तरफ भी हैं। ये थोड़ा सा इन्होंने थोड़ा ठीक ठाक भी किया, इस तरह बड़ मोटी मोटी दीवारें ये छोड़ी हुई हैं इन लोगों ने ना, कि ये कुछ पहले स्ट्रक्चर ऐसे होते थे। मैं बिल्कुल एक बहुत ऊँची दीवार पर चढ़ के ना, इसी किले की, ये जो बना रखा था किला, इसकी दीवार पे चढ़ के एक ये व्यू ले रही हूँ। बड़े मेरे को नीचे भी देखना पड़ रहा है कहीं मेरा पैर ना फिसल जाए, तो मैं पे कैमरा घुमा रही हूँ, देखती हूँ कैसा आता है इसमें। आप छोटा सा मिनी जू भी है इसी पार्क में, छोटे छोटे बच्चों को लेकर आओ, उनको दिखाओ यहाँ पर। पीकॉक भी है भाई, पी हैन भी है, ये देखिए। जैसे पहाड़ दो फ्रेंड्स, ये कैसे एक ट्री को प्रोटेक्ट करते हैं। ये बहुत ही पुराना पेड़ है, इसकी छाल से इसकी मोटाई से पता लग रहा होगा। इन्होंने इसकी यहाँ से कटिंग की होगी ना, तो देखो इन्होंने इसको दवाइयाँ लगा करके बैंडेज की हुई है प्रॉपर। मैं और इसको जूम करूँ, ढका हुआ है इसको, यानी कि ये देखो, और ऊपर भी एक जगह से काटा हुआ, वहाँ भी वो किया हुआ है इन्होंने। और बाकायदा ये चीज़ है ना स्टेपल की हुई है ताकि ये उतरे भी ना, और कुछ ज़रूर इन्होंने इस पर मेडिसिन वगैरह लगा के इसको प्रोटेक्ट किया हुआ है। देख लो भाइयों कितने तरीके से ये लोग योगा कर रहे हैं। और फ्रेंड्स ये है मैड्रिड आइलैंड के अंदर फाउंटेन।
बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही इसके सारे स्टाइल्स इतने अच्छे लग रहे थे। और जब शाम हो गई थी ना तो इसके अंदर लाइट एंड साउंड म्यूज़िक भी शुरू हो गया और गैदरिंग देखते ही देखते इतने लोग इकट्ठे हो गए कि मतलब ख़ास तौर पे वो लोग ये देखने के लिए इकट्ठे होते हैं। कुछ वहाँ पर समर टाइम भी चल रहा है। आप भी ये देखते देखते लाइक एंड सब्सक्राइब करना और कमेंट कर लो साथ के साथ ही। और आगे मैं वहाँ की आपको लाइफ भी दिखा देती हूँ। ये देखो पूल के नीचे इन्होंने छोटा सा जिम बनाया हुआ है और सब लड़के वहाँ पर एक्सरसाइज कर रहे हैं। सामने नदी बह रही है तो देखो कितना अच्छा व्यू है। ये छोटे छोटे उनके लाइफ के मैं हिस्से मैं आपको कुछ दिखा पाई हूँ। और सब जगह ही इस तरह से एक एक कॉर्नर जो है ना उनकी कंट्री का, सिटी का, बहुत ही खूबसूरत। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही।